आरोग्य विषय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है अकोला ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में प्रख्यात सेक्स रोग और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक केड़कर। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा विषय है सेक्स, इसके ऊपर काफी लोग बोलने में हिचकिचाते हैं और कोई कार्यक्रम भी अगर आप देखते हैं तो काफी इसे अच्छा नहीं माना जाता, तो लैंगिक समस्या के बारे में लोग जो है इतना हिचकिचाते क्यों? ऐसा है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सेक्स मतलब ऐसा कुछ तभी सीक्रेट है जी, सेक्स मतलब ऐसा बुरा माना जाता है जी। हालांकि सेक्स अत्यंत मतलब पवित्र है ऐसा, क्योंकि हम आप जो भी पैदा हुए वो कहां से हुए जी, सेक्स से पैदा है ना जी। मगर हमारे यहाँ ऐसा ओपनली सेक्स के बारे में बात नहीं की जाती जी, बोलते कि नहीं वो एकदम मतलब समझो ऐसे हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं ना, पति पत्नी बैठे हुए हैं और आपस में ना पास में बैठे हुए अच्छी बातें भी कर रहे हैं और उधर से बच्चा आता है तो एकदम तुरंत वो बाजू हो जाएंगे कि नहीं अभी गलत किया है, अभी अपने संस्कार है पहले से होते आ रहा है चलते आ रहा है जी, इसलिए चलो भाई। डॉक्टर साहब, जहाँ पे सेक्स की अगर बात आई तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर लूट या आदमी अगर डिप्रेशन में जाता है तो नपुंसकत्व लेकर लैंगिक शिथिलता हम जिसको कह सकते हैं तो उसको लेकर सबसे ज्यादा उसके मन में एक भावना बचपन से लेकर जवानी में लेकर जब उससे शादी होती उसके बाद भी कहीं तो भी चाहे कितना भी सक्षम पुरुष उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये बात आती है कि मुझे कमजोरी है या मुझे लैंगिक शिथिलता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो एक तो ऐसा है कि हार्ट अटैक एक बार आ गया ना किसको जी, हृदय विकार जी जी, उसका अटैक आ गया जी तो आदमी सहन कर लेगा जी, बिल्कुल ठीक है हार्ट अटैक आएगा ना उसका इलाज कर लेगा जी। सेक्स में भी अपन नपुंसकत्व है जी, या मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है जी, या मैं सेक्स करने लायक नहीं हूँ जी, या लैंगिक समस्या मुझे है जी, ऐसा थोड़ा भी उसको ऐसा डाउट आ गया या ऐसा थोड़ा विचार भी आ गया जी, तभी वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है जी, नहीं ये कुछ तभी भी भयंकर बीमारी हो गई। और अपन अभी मैं खुद भाई अभी आदमी में नहीं रहा, अभी मैं पुरुष नहीं हूँ जी, मतलब वो ख्याल भी आ गया जी तो उसके दिमाग में पूरा वो चालू रहता है उससे वो डिप्रेशन में चले जाता जी, बिल्कुल उससे वो एंग्शियस हो जाता है, एंग्जाइटी घबराहट बेचैनी चिंता जी, और वो होने के बाद में अभी मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा जी, मैं मेरे पत्नी के नजर में जी ऐसा कम हो जाऊंगा जी, मतलब अभी फिर वो विचार चालू हो जाता जी, और फिर उससे फिर और वो डाउन हो जाता और डिप्रेस हो जाता है और फिर वो चक्र दुष्ट चक्र में आ जाता हूँ जी। एक बार कभी कुछ हुआ नहीं उसका परफॉर्मेंस हुआ नहीं, एक बार वो करने जी, 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 जी। उसे वो फिर डाउन होते जाता जी, और डाउन होते 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 फिर और गहरे में चले जाते कि अभी अपन कुछ काम के नहीं रहे जी, और नपुंसकत्व आ जाता जी, फिर वही घर में झगड़े होना चिड़चिड़ाहट होना हाँ। जो खींच है वो पत्नी पर निकालना है बच्चों पर निकालना इससे प्रसार शुरू हो जाता। डॉक्टर साहब जो जैसे हमने लैंगिक समस्या का विषय रखा है तो वही युगों में भी उसका प्रमाण पाया जाता है। हाँ मतलब ऐसा देखो कि सेक्स कर नहीं सकना मतलब लिंग में शिथिलता आना या शिथिल हो जाना जी, या मतलब उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका उसका, मतलब नपुंसकत्व आया भाई वो अभी सेक्स नहीं कर सकता जी, है ना उसमें कमजोरी आ गई जी, तो ये एक तो ऐसा हो सकता है कि एक तो 35 साल के नीचे समझो हो जाता है जी, किसको ऐसा जी, तो उसके कारण अलग होते हैं जी, और 35 साल के बाद में समझो ऐसा हो जाता तो उसके कारण अलग हो सकते हैं जी। जैसा युवक में मतलब जवान लोगों में जी जी बच्चे है जी, तो बच्चा कैसा यूजुअली भी आजकल तो ऐसा हो जाता है कि 13-14-15 साल के बच्चे जी उनको सेक्स कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाते, उनके सेक्स भावना शुरू हो जाती है जी, 15-16 साल के इसमें 14 में भी होता है जी, और फिर वो सेक्स की बातें करना चालू करता। आजकल तो ऐसा हो गया सोशल मीडिया है जी जी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है जी, तो बहुत ही ज्ञान लोगों को हुआ है अभी जी, और फिर उसको वो भावना निर्माण हो जाती है वो सब देख के देख के, और फिर उसमें वो कहीं ना कहीं जाके कोशिश करता है जी, और कोशिश करके वहां फेल हो सकता है जी, क्योंकि वहां जब जाता है तो डर रहता है जी, कोई मुझे देख लेगा जी जी, कोई देख लेगा तो क्या होगा जी,
या फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड है जी जी उसके साथ में मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा जी, उसके नजर में गिर जाऊंगा क्या जी। तो फिर ऐसा होता है कि भाई उस समय उसको डर लगता है और वो डर डर के इसमें समझो वो कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, एक्शन लेता है वहाँ से, तो फिर वहाँ वो फेल हो जाता है। उसके मन में एक धारणा बैठ जाती कि मैं जो हूँ इसमें आदमियों में नहीं हूँ, नपुंसकत हो गया, लैंगिक शिथिलता है, उसको जानकारी अधकचरा ज्ञान होने के कारण वो ऐसा हो जाता है, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। और वो 35 साल के नीचे समझो ऐसा होता है जी, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 35 साल जी, उसके नीचे होता है तो समझ जाना कि भाई ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक कारणों की वजह से ऐसा हुआ है जी, उसके लिए शारीरिक कारण नहीं जी, मानसिक। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि 35 साल के बाद में हुआ तो मानसिक नहीं है, ऐसा भी नहीं, मतलब मोटा मोटा हिसाब में आपको बता, एज के हिसाब से उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि भाई 35 नहीं चाहिए तो साइकोलॉजिकल कारण, मानसिक रूप से वो नपुंसकता उसको आगे ऐसा समझ जा सकता है कि भाई मतलब उसका उसका साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है जी जी। तो साइकोलॉजिकल कारण में भी वही है कि भाई एक तो बच्चे लोग भी नशा करते हैं जी, उसके वजह से उसको एक शराब पीना जी, स्मोकिंग से भी ऐसा होता है जी, और फिर रात रात जगना जी, और शादी होने के बाद में भी ऐसा टेंशन, बहुत प्रेशर जी। अभी ऐसा है कि आईटी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है नहीं जी, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना काम का स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर काम का है, और सुबह से लेके शाम तक मतलब काम करो, दौड़ो, भागो, इधर जाओ उधर जाओ, फिर कंपटीशन, टफ कंपटीशन है, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस काफी आता है जी। और स्ट्रेस आने के बाद में वो ऐसा घर आके एकदम थक जाता है जी। अब उसमें समझो उसने कोशिश किया जी, है ना, सिक्स करने की, तो उसको जमता नहीं जी, क्योंकि घर का टेंशन उसके सिर पर रहता, थकान उसके अलग से रहती, हावी रहती है। हाँ, जमा नहीं, फिर उसको फिर हो जाता है कि अभी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जी। फिर दूसरा है कि एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस नाम की जो बीमारी होती है जी, है ना, टेंशन, चिंता रोग इसको हम बोलते हैं, तो वो बीमारी से नपुंसकत आ सकता है जी, डिप्रेशन की वजह से आ सकता है जी, है ना, कि निराशा है, निराशा रोग है, डिप्रेशन है जी, उसकी वजह से आ सकता है जी। तो ऐसे कई मानसिक कारण है कि भाई पति पत्नी का नहीं पटता जी, और पति पत्नी का नहीं पटने से भी उसको जमता नहीं है जी, है ना, कार्यक्रम नहीं कर सकता, सेक्स नहीं कर सकता है, या फिर घर में काफी सारे लोग है, उनको प्राइवेसी मिलती नहीं जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही कमरा है जी, एक कमरे में पार्टीशन डाला है एक पर्दे का जी, उधर माँ बाप है, इधर लड़का और उसकी पत्नी है जी, तो उसमें फिर उसको इतना ये रहता है मतलब फ्रीडम नहीं है, प्रेशर है जी, तो उसको वो नपुंसकत्व आ जाता है जी। तो 35 साल के नीचे समझे ऐसा हो गया तो उसको देखना पड़ता है कि भाई इसके दिमाग में क्या लोड है, क्या टेंशन है जी। कुछ गलत फहमियां भी रहती जी, गलत फहमियां कौन सी कि भाई मैंने हस्तमैथुन बहुत बार किया जी, करके अभी मैं आदमी में नहीं रहा जी, एक गलत फहमी है, और उसकी वजह उसको नपुंसकत्व आ जाता जी। दूसरी और एक गलत फहमी है कि मुझे नॉक्टर्नल उसको एमिशंस होते हैं, मतलब सपन दोष बोलते हैं जी, ड्रीम्स में सपने में जी, उसका वीर्य बाहर निकलता है जी, तो सपने में मेरा बहुत वीर्य बाहर निकल गया जी, अभी मैं काम का नहीं रहा जी, इसलिए उसको आ सकता है, या संडास करने के समय, लेट्रिन जी करने के समय वीर्य बाहर निकलता है जी, तो उस समय तो मैं उसमें भी काम का नहीं रहा जी, या मैं कहीं वेश्या की तरफ गया था जी, मुझे अभी HIV हो गया जी, ऐसा उसको डाउट लगता है और मैं काम का नहीं रहा, या वेश्या के पास में जाता है, टेंशन दिमाग के ऊपर रहता है बहुत, उसको वहां जमता नहीं, फिर वो बोलती कि तू काम का नहीं, तू चले जा, फिर वो वेश्या ने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, तू काम का नहीं है, फिर आ जाता है। ऐसे काफी सारे कारण है कि बच्चों मतलब 35 साल के नीचे साइकोलॉजिकल ज्यादा कारण है, मानसिक रूप से कि उसको नपुंसकत्व आता है और वो काम नहीं कर सकता, मतलब समागम नहीं कर सकता या सेक्स नहीं कर सकता जी। और एक मतलब आगे जैसा आपने जो पूछा हो कि 35 साल के बाद में, 35-40 साल के बाद में पहली बार समझो ऐसा हो गया उसको जी, कि भाई अभी नपुंसकत्व आया हुआ है और अभी मैं अभी तक कर रहा था, अभी नहीं कर रहा जी, तो ये तो मानसिक कारण तो है ही, वो भी हो सकते हैं, बाद में फिर अपने को ये देखना पड़ता है कि शारीरिक कारण कुछ है क्या जी, बदन में कुछ तकलीफ है क्या, उसकी वजह से हुआ जी, तो उसमें ये होता है कि स्मोकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, नंबर दो शराब पीने की वजह से होता है, ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इट इंक्रीजेस द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब शराब से क्या होता है कि सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है जी, मगर सेक्स नहीं कर सकते जी, अल्कोहल परफॉर्मेंस कम हो जाता जी, है ना। फिर दूसरा है कि डायबिटीज है जी, डायबिटीज मतलब मधुमेह जी, शुगर की शक्कर की बीमारी है जी, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो खून जिसमें बहता है मतलब जो ब्लड वेसल्स है जी, उसका अंदर का जो है ना जी, तो वो जो मतलब जहां से ब्लड फ्लो होता है जी, उसका आकार कम हो जाता है, इसलिए सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से होता है। वैसे ही ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन हो गया तो जी,
मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया जी, और उसकी वजह से होता है या ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने की वजह से भी कुछ होता है जी। फिर कुछ लोगों को स्पाइन मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ बीमारी हो गई या कुछ मार बैठ गया जी, तो उसकी वजह से वो कर नहीं सकता। तो ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं कि उसको ट्यूमर है जी, पीछे कोई गठा नहीं हुई है जी, या फिर दिमाग में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है उसकी वजह से नहीं कर सकता जी, या नसों में कोई कमजोरी आई हुई जी जिसकी वजह से नहीं कर सकता। ऐसे काफी सारे कारण है जी। तो 35-40 साल के बाद में यदि कोई ऐसा आता है कि मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है, मैं सेक्स नहीं कर पाता, तो उसमें हमको फिर देखना पड़ता है कि भाई उसको अभी और कौन सी दूसरी बीमारी की जिसकी वजह से नहीं कर पा जी। फिर दूसरा रहेगा इसमें कि उसको मानसिक कोई बीमारी है, मनोविकार है जी, और उसकी गोलियां खा रहा है जी, जी। तो उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है जी, सेक्स नहीं होता जी। तो ऐसा मतलब एक बार वो पेशेंट आ गया तो उसका पूरा असेसमेंट करके जी, उसका पूरा तपास करके देखना पड़ता है कि इसका कारण क्या है जी, जी। और फिर बाद में उसका इलाज जी। हमारे जो दर्शक के कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने मन से कोई धारणा न बना ले, इसके लिए सही मनोचिकित्सक के पास जाए, अपना उपचार करें। केवल अपने लोगों ने कह दिया या अपने मन में आप बना लो ये बात गलत है, तो आप इसके बाद ऐसी कोई भी धारणा न बनाए और अपने जो भी आप मनोचिकित्सक के पास जाना जाते हैं उनसे जाकर उनकी सलाह ले। डॉक्टर साहब, जैसे अपने अभी अपने ब्लड प्रेशर वगैरह बताया, तो कोई अगर हार्ट का पेशेंट है तो वो भी सेक्स कर सकता है या फिर, क्योंकि हार्ट का संबंध सेक्स से होता है। ऐसा है कि किसको हार्ट अटैक आया हुआ है जी, जी, तो हार्ट अटैक आने के बाद में क्या होता है कि उसको बोलते डॉक्टर लोग कि अभी जरा रेस्ट करो, आराम करो जी। तो एक बार हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है या हार्ट का अटैक भी आ गया जी, तो एक बार उसका रेस्ट उसकी काफी दिन हो गई, 3 हफ्ते महीना भर, डॉक्टर साहब ने जैसा बोला है डॉक्टर को उसको मेडिकल एडवाइस है कि आराम करो जी, जी, बाद में वो कर सकता है जी। क्योंकि सेक्स करने में मतलब वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है जी, जी। पर डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा एक्सरसाइज मत करो जी, तो उस समय फिर सेक्स करने से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और एक बार जब एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने परमिशन दे दिया जी, बाद में वो सेक्स कर सकता है जी, उसमें कोई ऐसी परेशानी होती नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बहु प्रतिभा के धनी है, आप एक सेक्स और विशेषज्ञ भाई, साथ में मनोविकार तज्ञ भी है, आप नशा मुक्ति का भी काम करते हैं, आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी है, एनएलपी ट्रेनर भी है, आप साथ ही साथ बिजनेस कोच भी है, मोटिवेशन स्पीकर भी है, तो इतना आप कैसा हैंडल कर पाते? अरे वो तो काफी साल से कर ही रहा हूँ जी। जैसा अभी यहाँ अकोला में हमारा जो हॉस्पिटल है जी, तो वहाँ तो सब तरह के पेशेंट आते हैं, मानसिक जो उनको बीमारी है वो लोग आते हैं जी। तो यहाँ हमारे यहाँ हम पेशेंट के साथ में कोई रिश्तेदार है जी, तो वो रह सकते हैं और वो रह के उनका हम इलाज करते हैं, उसके लिए हमारा एक हॉस्पिटल है जी। फिर हमारा दूसरा एक हॉस्पिटल अकोला में है कि जहाँ रिश्तेदार रहना नहीं चाहते हैं जी, उनके साथ में वो घर जाके काम कर सकते हैं जी, कमा सकते हैं जी, पेशेंट को अच्छा करने के लिए यहाँ हमारे यहाँ रखते हैं जी, बाद में उनको इतला करते हैं, वो आके उनको ले जाते हैं। तो यहाँ बिना रिश्तेदार का भी हमारा हॉस्पिटल है जी। वैसे फिर हमने नागपुर में भी हॉस्पिटल खोला हुआ है जी, पुणे में भी हॉस्पिटल है, ठाणे में हॉस्पिटल है, और हर जगह फिर वो हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोगों का इलाज करते रहते हैं जी। मेरा जो है, मेरे ऐसी इच्छा है, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है काम करने का, वो ये है कि भाई भारत में, हमारे देश में जी, ये देश हमारा मनोरुग्ण मुक्त हो जाए जी, हमारा देश नशा मुक्ति जी पूरे देश में हो जाए जी। यहाँ का क्योंकि क्या होता है कि एक यदि मनोविकार इसके घर में है, मनोविकार जिसको हुआ है ऐसा जी, तो कम से कम 20 लोग अफेक्ट हो जाते हैं जी, 20 लोगों को तकलीफ होती है, उसके आजू बाजू वाले दोस्त लोग बोलो, मतलब फैमिली मेंबर बोलो, 20 लोग अफेक्ट होते हैं जी। शराबी है तो 20 लोग अफेक्ट होते जी। तो इनका इलाज यदि हम अच्छा करते हैं तो वो संभव है जी। तो ये भी मैं करते रहता हूँ जी, और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जी। इसमें जैसा ट्रांसफॉर्मेशन का एक वर्कशॉप है, लैंडमार्क करके आपने नाम सुना जी, जी, तो उसमें मैं सेमिनार है, उसे सेमिनार लीड करता हूँ जी। फिर लोग बिजनेस के लिए पूछते हैं, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांशन, उसके लिए भी बिजनेस कोचिंग उनको करता हूँ जी, जी। फिर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, यहाँ लोग कोई लाइक स्टूडेंट्स है जी, 12th में स्टूडेंट है, 10th में स्टूडेंट है, तो उनको मोटिवेशन देने के लिए स्पीकर करके मैं जाता हूँ जी। इसके अलावा हमारा ये भी मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि भाई लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले जी, आर्थिक सुगमता होनी चाहिए जी। इसके लिए मैं एक बैंक का चेयरमैन भी हूँ, सुमित्र बैंक जी, उसका चेयरमैन भी हूँ। वहाँ हम लोगों को आर्थिक रूप से हम फाइनेंस करते हैं, काफी सारा फाइनेंस हम लोगों को करते हैं, जहाँ से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलेगा जी धंधा करके जी। तो वो भी हम करते हैं, और सब मैनेज होता है जी, क्योंकि मैनेज करना चाहिए, और वो
जब करने की इच्छा है तो हो जाता मैनेज पूरा चीज। डॉक्टर साहब अब आप आई गए तो एक मनोरोग विशेषज्ञ है, तो एक इसे हम शारीरिक तो नहीं कर सकते, किसी को जैसा पैसा कमाने का होता है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड होता है, किसी को तो इस पर भी कुछ हो सकता है। जैसा कहने का तात्पर्य है कि जैसा हर किसी में हर व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके जिसके अंदर कुछ पागलपन के मानसिक रोग के लक्षण नहीं, इतना है कि किसी के दिखाई देते हैं किसी के नहीं दिखाई देते। तो आपके पास ऐसे आते होंगे पेशेंट्स, तो आप उनको कैसा पहचान देंगे इसको किस प्रकार का रोग हुआ है मानसिक रोग? नहीं नहीं, वो तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है कि भाई जैसा एक तो घर के लोग रिपोर्ट देते हैं जी जी, उसके आजू बाजू वाले जी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है जी, और नहीं फिर उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बातचीत करते हैं जी, तो बातचीत में समझ जाता है जी कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है गड़बड़ गड़बड़, अभी वो एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है वैसा जी, भाई ये ट्रैक छोड़ के बात कर रहे हैं, तो कहीं तो भी गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो फिर वो उसका इलाज करने की जरूरत है क्या? क्योंकि कुछ लोगों को दवा देने की जरूरत होती है और कुछ लोगों को काउंसिलिंग करने जी, काउंसिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्स की जो बीमारी है उसमें भी काउंसिलिंग करना वो जरूरी है जी। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि सेक्स में भी जी अकेला इलाज करने से, मैं बोलता हूँ कि भाई आप पति पत्नी दोनों भी आ जाओ जी जी, है ना, उसमें पति पत्नी दोनों भी आते हैं, क्योंकि ये जो खेल है जी, जी ये जो सेक्स का जो गेम है जी, रिलेशनशिप जो है जी, तो वो बेड में दोनों भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक रहता है जी, तो बीमारी एक्चुअली दोनों की है, एक की बीमारी नहीं है। तो काउंसिलिंग के लिए भी पति पत्नी को दोनों को बुलाता हूँ और दोनों को काउंसिलिंग उनको करता हूँ और क्या किया जाए कि जिसके जिसकी वजह से इनका ये प्रॉब्लम का हल हो जाए जी, है ना, उसके लिए ताली हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती, दोनों हाथ से दोनों को, हाँ, क्योंकि दोनों की इच्छा होना जरूरी है जी, है ना जी, और फिर उसमें प्रॉब्लम जो होता है उसका हल निकलता है। डॉक्टर साहब पति पत्नी ने किस उम्र तक वो सेक्स कर सकते है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई किस उम्र तक कर सकते है, जितना ऐसा देखा जाता है कि भाई संतान अगर हो गई थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर महिला थोड़ा वो भी हमारे यहाँ, हाँ वो हमारे समाज में ऐसा है कि नहीं अभी बच्चे हो गए जी जी, बच्चे बड़े हो गए जी, अभी मासिक धर्म जो है जी, मेंस्ट्रुएशन अभी वो भी समझो भी खत्म होते आ रहा जी, तो अभी 45 साल हो गए उम्र जी, बस अभी अपना सब मतलब जूस निकल गया है ऐसा लोगों को लगता है ना, गारंटी वारंटी खत्म हो गई ऐसा लोगों को लगता है, और भी बोलते सेक्स करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स जो है वो एक भूख है, जैसे हमको अनाज की भूख लगती है, स्वाभाविक है अनाज की भूख लगती है, तो जब भूख लगती है तो हम खाते हैं, सेक्स का है कि जब भूख लगती है तो सेक्स करने का, और उसमें ऐसा कोई उम्र की कोई मतलब ऐसी लिमिट नहीं, बंधन नहीं है, सीमा नहीं है। हमने सुना है लोग 70 साल की 80 साल की उम्र में भी शादी करते हैं, है ना जी, हाँ, और वो सेक्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। डॉक्टर साहब पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, क्या दोनों के बीच का संघर्ष सेक्स का परिणाम डालता है? बिल्कुल डालता है, कि दोनों के बीच में यदि पट्टा नहीं है जी, और अभी मेरे पास में कितने आते हैं कि भाई उनका दोनों का छोटी छोटी बात के ऊपर प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी बात, छोटी बात मतलब ऐसा है कि तूने मुझे सवेरे चाय नहीं दिया, ईगो कहीं तो भी, हाँ ईगो, मैं कमाता हूँ, मैं तू घर में बैठी रहती है जी, तो कुछ नहीं करती, मैं कमाता हूँ, तो आने के बाद में मेरे पैर दबाना चाहिए, चाय पिलाना चाहिए, नाश्ता देना चाहिए, फिर कुछ तो भी ऐसे छोटे छोटे कारण के ऊपर, फिर सास बहू का झगड़ा जी वो घर में चलते रहता है, और फिर वो बहू अपना घरदार छोड़ के वो यहाँ आई हुई है नए घर में जी, और फिर उसको छोटी छोटी बात के ऊपर तकलीफ हो गई तो उसका भी दिमाग ठिकाने पर रहता नहीं, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा झंझट चालू हो जाता है, तो इसके लिए जब भी कभी उनका इलाज करना है तो पति पत्नी का होना जरूरी है, उनका संघर्ष जो है जी वो यदि मिलजुल के रहते हैं, तालमेल उनका अच्छा हो जाता है, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका रेपो जी वो अच्छा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम तो वैसे वैसे हल। डॉक्टर साहब पिछले कुछ सालों में जो यौन अपराध की जो घटना है वो काफी बढ़ गई है, तो आप एक मनोचिकित्सक भी है, एक सेक्स रोग भी है, तो आप क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण जो है ना वो मेनली अभी जो सोशल मीडिया जो है जी, वो उसका काफी मात्रा में उसका कारण हो सकता है जी। ऐसा है कि फेसबुक जी अभी आज ही मेरे पास में मतलब रोज ही चालू है, अभी तो इतने दिन हुए तो जी, जी, ऐसा है कि एक दिन आठ दो दिन आठ तो आते रहते हैं कि फेसबुक के ऊपर दोस्ती होगी जी जी बिल्कुल, है ना, वो लड़का कहाँ कहाँ मालूम नहीं, क्या करता मालूम नहीं, सब झूठा है, और वो प्यार में पड़ जाती है, और फिर मतलब शादी तक बात आ जाती जी, और लड़का एक बार क्या है वो उसको बोलते प्रेम रोग, हम बोलते है ना प्रेम रोग, फिर जब प्यार हो गया ना जी, तो फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता उसमें कि भाई ये लड़का कमाता है नहीं कमाता है जी, मुझे बराबर मतलब रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसा लड़की कोई सोचती भी नहीं है, एक बार प्रेम रोग हो गया
तो वो बोलती है अभी जो है वो बिल्कुल मेरे लिए पति परमेश्वर जी, और वो शादी कर लेते हैं। तो मैंने ये फेसबुक जी, व्हाट्सएप जी, है ना, इंटरनेट, यूट्यूब जी, है ना, जो भी सोशल मीडिया का जो अभी तो ऐसे हजारों साइट है, अगर आप एक अगर यूट्यूब पर अगर जाते हैं या सर्च करते हैं तो हजारों साइट ऐसे खुल जाते हैं। हाँ, जिसमें पॉर्न फिल्में या ऐसे कुछ रहते हैं। कितने साइट्स है ना, कितने रिजल्ट मिलेंगे जी जी, है ना। मैंने भी मेरे काफी सारे यूट्यूब के ऊपर मेरे भी वीडियो है जी, मगर मैंने उसमें एकदम क्लियरली साइंटिफिक मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन दी है जी। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यूट्यूब पे जो भी वीडियोज है उसमें, तो वो अनसाइंटिफिक इन्फॉर्मेशन काफी वीडियोज में आपको मिलेगी। आप यदि मेरे वीडियो आप यदि कहेंगे ना यूट्यूब के ऊपर जी, दीपक केड़कर, डॉक्टर दीपक केड़कर क्लिक करेंगे तो काफी सारे सेक्स के बारे में वीडियो है जी, एकदम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। मेरी किताब भी है जी, है ना, आनंदी वैवाहिक जीवन दर की किताब है जी, वो किताब में भी सब पूरा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है जी, और वो भी मार्केट में उपलब्ध है। क्योंकि क्या डॉक्टर साहब, लोग कचरा साहित्य देखते हैं और वही धारणा मन में, तो यहाँ पर जो सेक्स का स्वाभाविक आनंद है वो कहीं तो भी विलुप्त हो जाता है। राइट डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े विशेषज्ञ, कई क्षेत्रों में आप काम कर रहे, कई सालों से काम कर रहे, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विदर्भ में कोई आपके नाम से अपरिचित होंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा में सेक्स विषय शामिल करना कितना उचित है? तो क्या मतलब उसमें सवाल ऐसे करने चाहिए जी, नहीं एजुकेशन में नहीं किया तो बच्चे तो पढ़, वो तो जी, जी, वो तो एक बार वो लड़का लड़की उम्र में आ गए जी, जी तो उनका जो केमिकल लोचा है हार्मोन्स है ना, हार्मोनल इम्बेलेंस, वो उनको चुप बैठने देता नहीं जी। आप स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, उन्होंने तो बाहर से सीखना ही जब उन्होंने सीखना ही छुपे छुपे तो फिर खुला है ना। कम से कम तकनीकी रूप से हमको सही अगर जानकारी मिले तो वो भटके नहीं, उनके शरीर का खुद का नुकसान नहीं, नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, सुखी विवाहित जीवन के लिए सेक्स क्या मान्य है? सेक्स जैसी बाकी अनाज की भूख है, सेक्स की भूख है जी, तो सेक्स का जो एरिया है जी जी, वो यदि बराबर चलते रहा जी जी, तो सुखी विवाहित जीवन हो सकता है। ऐसा बोलते हैं कि भाई दिन भर में हस्बैंड वाइफ ने, पति पत्नी ने कितने भी झगड़े कर लिए, एक बार वो बेड पे आ गए और एक मिनट के पास में आ गए तो उनके दिन भर के जो भी झंझट है ना, झगड़े सब खत्म हो जाते वहीं जी, और जी, फिर वो एक रूप हो जाते हैं, है ना। आपका और एक बताने का, जब मैं बता रहा था इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में जी जी, कि अभी क्या हो गया कि इसके लिए काफी सारी दवाई है जी, आयुर्वेद में तो बोलते हैं कि इसका पक्का इलाज हो जाएगा जी, है ना, मगर ऐसा कोई आयुर्वेद में मुझे तो मालूम नहीं कि ऐसा पक्का कोई इलाज है जी, ना होम्योपैथी में जी, एलोपैथी में काफी सारी दवाइयां, काफी सारी दवाइयां मतलब अच्छी काम करती है ऐसा बोला हुआ है जी। सिल्डेनाफिल अभी जो है उसने तो बहुत क्रांति कर दिया जैसे देखा जाए तो जी, है ना, ये जो सेक्स सीरिया है उसमें सिल्डेनाफिल ने क्रांति कर दी जी, वो और हाँ मतलब वो ऐसा है कि वो गोली लेने के बाद में काफी लोगों को उसमें फायदा हो जाता है जी। सिल्डेनाफिल नाम की जो गोली है जी, जी 50 मिलीग्राम की गोली आती है, 100 मिलीग्राम की गोली आती है जी, जी। मगर ऐसा उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो गोली खाए तो एकदम सेक्स आ जाएगा जी जी, है ना, और वो काम क्रीड़ा कर सकेगा या समागम कर सकेगा जी। उसके लिए भी मानसिक रूप से शांति होना जरूरी है जी, है ना, मतलब वो गोली लेते हैं तभी भी जी वाइफ के झगड़े रहे तभी वो गोली काम नहीं करेगी, है ना, दिमाग शांत नहीं रहा तभी वो गोली काम नहीं करेगी। तो वो तो है ही कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े होना नहीं, सपोज सेक्स की पहली पायरी ये है कि आपका मस्तिष्क शांत होना चाहिए और आपस में बहुत गहरा तालमेल और प्रेम होना चाहिए बिल्कुल, उसके बाद आप पहले वो जरूरी है, बाद में फिर जो करना होगा जी जी। तो हम फिर उसमें देखते हैं कि भाई उसका उसकी जो शुगर मात्रा है मतलब ब्लड लेवल वो बराबर मतलब लेवल पे है क्या जी, ब्लड प्रेशर बराबर है क्या, गोली ब्लड प्रेशर चालू है वो बदलो जी, फिर सिल्डेनाफिल की उसको गोली दे दो जी। तो उसको हम एक मास्टर्स एंड जॉनसन जी नाम के दोनों हस्बैंड वाइफ थे जी, मास्टर्स एंड जॉनसन जी, तो मास्टर एंड जॉनसन हस्बैंड वाइफ ने एक ऐसा सिस्टम निकाला ट्रीटमेंट का जी, जी काउंसिलिंग का जी, तो वो हम करते थे जी। मुझे समझो कोई बोलते कि नहीं हमको गोली नहीं होना जी, हमको दवाई नहीं होना जी, हमको काउंसिलिंग करो जी। तो फिर मास्टर्स एंड जॉनसन का एक टेक्निक है जी, भाई ये जो नपुंसकत्व है इसका इलाज कैसे करना जी। तो वो टेक्निक से इलाज हम करते हैं, फिर उनको हस्बैंड वाइफ को बुलाते रहते हैं, एक दिन आठ, दो दिन आठ, तीन दिन आठ उनको बुलाते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं और गाइड करके फिर उनको मतलब वो उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है जी। फिर दूसरा कुछ है कि जिनको सिल्डेनाफिल से भी फायदा नहीं होता जी, सिल्डेनाफिल नाम की जो गोली है जी जी, उससे भी फायदा होता नहीं है, तो फिर शिश्न में जी, है ना, शिश्न में जी एक इंजेक्शन दिया जाता है जी। जैसा डायबिटिक लोग जो है जिनको डायबिटीज है वो छोटा इंजेक्शन खुद ही लेते हैं जी, वैसा इंजेक्शन है पेपेवरिन नाम का जी, वो इंजेक्शन शिश्न में दिया जाता है जी, और वो आदमी खुद ले सकता है जी। तो उसमें भी इरेक्शन आके
उसका जो समागम है उसका जो सेक्स है वो हो सकता है जी। तो वो भी फिर हम लोगों को रिकमेंड करते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी सब तरह का इलाज करके थक गए अभी जी। और कुछ फायदा नहीं हो रहा है जी। नर्व्स में मतलब नसों में कोई कमजोरी आई है या जो मतलब खून की जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स उसमें कोई कमजोरी आई हुई है जी। फिर वो पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं तो उससे लोगों को काफी फायदा हो जाता है जी। और ये एरिया काम करने लगता है जी। डॉक्टर साहब सेक्स का सही समय क्या होता है? ऐसा कोई समय नहीं है जी, है ना। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जैसा काफी लोग हमारे पास में आते हैं कि रात को थक जाते हैं जी, है ना, काम कर थक जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा करो रात को सेक्स करो या सवेरे करो फ्रेश जी, है ना। होता क्या है कि छोटा मकान रहा है जी, है ना, दो कमरे है जी, बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो बच्चे सोने की तो बच्चे कब सो जाएंगे जी। और बच्चे सोने के बाद में भी आवाज नहीं आने को होना जी जी, करके एकदम इतनी शांति से करो इधर जी जी। मतलब ऐसा कि और कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि बड़े बड़े बच्चे होने के बाद में भी जी, घर भी मकान भी बड़ा है जी, तभी भी बच्चे 7-8 साल 10 साल के होने के बाद में भी वो माँ बाप के पास वो सोफा सो और उनको वो मन में धांसती रहती है जी, बच्चा उठेगा क्या और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी वो बच्चा गलती से उठ जाता जी, और जब वो उठ जाता है तो उसको जो मन में एकदम ऐसा शॉक बैठता है और वहां से फिर उसका शिश्न में ताटरता आना जो है जी बंद हो जाता है, वो बच्चा उठ जाता है जी। और फिर उसको कुछ तो भी करके सुला और कुछ तो भी मतलब छुपा वो जी। और फिर वो जो धक्का है, तो इसलिए मैं हरदम ये बोलता हूँ कि एक बार बच्चे समझो 2-3 साल के हो गए तो बच्चों को कमरे में सुलाने का ही नहीं है जी, कभी भी नहीं सुलाने का बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उससे फिर तकलीफ ज्यादा हो सकती है जी। डॉक्टर साहब बहुत से लोगों की एक ऐसी भी समस्या रहती है कि उनमें जो लिंग में कठोरपना भी आ जाता है, सेक्स भी अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सेक्स के संभोग के बीच में ही कहीं को भी लिंग ढीला पड़ जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? मानसिक क्या है या फिर? हाँ, मतलब ऐसा है कि कठोरता तो आती है शुरू में जी जी, है ना, और एक्चुअली जब काम करना चालू करते हैं तो उसमें बीच में ही जी जी कठोर नष्ट हो जाती जी, है ना, वो जो शिश्न है वो लूज हो जाती जी। अभी उसमें दिमाग का काफी सारा खेल है जी, है ना जी। अभी दिमाग ही ठिकाने में नहीं है जी, है ना, कुछ ना कुछ विचार चालू है जी। तो फिर देखो ये ठीक रहा तो नीचे ठीक रहे जी, यहाँ टेंशन है जी, तो नीचे कोई लूज नहीं रहेगा, यहाँ लूज है तो नीचे भी टेंशन आएगा, मतलब यहाँ लूज होना यहाँ रिलैक्स होना वो जरूरी है जी। तो दिमाग में क्या चालू है जी, है ना, कोई आने वाला है ना, कोई टकटक करेगा अंदर आ जाए, कोई सुनेगा बाजू कमरे में कोई सोया हुआ है या कोई आने का डर हो, कोई सचमुच आ गया या ऑफिस के विचार है, धंधे के विचार है, कोई ऐसे विचार आ गए, तल्लीनता की जो कमी मतलब, जहाँ पे भंग हो गई वहाँ पे वहाँ पे मतलब ही इज नॉट प्रेजेंट टू द प्रेजेंट जी जी, वहाँ वो एंजॉय नहीं कर रहा जी, वहाँ शरीर शारीरिक रूप से वो एक है लेकिन मानसिक रूप से अलग है। उसमें शरीर संभोग के इसमें शरीर और मानसिक रूप से दोनों एक होना बहुत जरूरी है। अभी आपने बात ही निकाली उसमें और एक होता है जी कि जैसे काफी लोगों को ऐसा होता है कि पत्नी के साथ में जमता नहीं जी, और उनका बाहर संबंध रहते और बाहर जमते रहते जी, अब इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है जी, है ना। कुछ कुछ लोगों का उल्टा होता है कि पत्नी के साथ में जमता है उनके बाहर संबंध रहते हैं, वो भी लोग हमारे पास में आते हैं, अभी कैसा करना जी, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? अभी उसमें वही है कि क्या हुआ वो उसका एनालिसिस करके काउंसिलिंग करना जी, है ना जी, बिल्कुल। कि घर में जम रहा है पत्नी के साथ में बाहर जमता नहीं, इसका मतलब भी उसको बाहर टेंशन आ रहा है जी, डर लग रहा है ना। और दूसरा ऐसा होता है कि बाहर जमता घर में जमता नहीं जी, और तो मैं मजाक से भी ऐसा कभी बोलता हूँ कि क्या होता है रोज घर घर मतलब रोज घर का खाके खाके बोर जाता था आदमी, बाहर का अच्छा लगता है जी, कभी गए तो जी। तो इसलिए फिर मैं हरदम ये बोलते रहता हूँ कि घर का भी जो है जी, वो आप नए नए टेस्ट से जैसा खाना अलग अलग बना सकते हैं, वैसा नए नए तरीके से आप सेक्स कर सकते हैं जी, ताकि उसमें नवीनता रहेगी जी, कुछ भी नया है जी, ताकि फिर वो बोर नहीं हो जी, नहीं तो क्या होता है बोर्डम हो जाता है, और बोर्डम से फिर नपुंसकत्व तो उसको आ जाता है जी। डॉक्टर साहब कुछ लोगों में ऐसा बड़बोलेपन की आदत होती है कि एक 50-55 साल के होने के बाद कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो अरे अंदर से कुछ कमजोर रहते हैं लेकिन वो बाहर ऐसी बातें करेंगे कि आज भी मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ता वैसा, तो ये कुछ मानसिक रोगी के लक्षण होते हैं, खुद को श्रेष्ठ बताने खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए मैं कितना मतलब मर्द हूँ जी, है ना, और मैं ऐसा कर सकता हूँ जी जी, जैसे शादी के बाद में। हाँ, और एक वो बड़ा कारण है कि शादी के बाद में क्या होता है कि ये जो नया मतलब ये जो लड़का है समझो जी, शादी होने के बाद में वो बोलता है कि भाई मैंने एक बार किया हाँ।
एक बार मैं कर सका वो दोस्त में जाता है, दोस्त बोलते हैं हम तो चार बार करते रब में पांच बार करते तो फिर वो एकदम डाउन हो जाए मेरे पास में, देखिए रब ने मैं क्या कमजोरी है जी। तो एक चार बार करना पांच बार करना अभी एक्चुअली कितना करते हैं ये उनको ही मालूम, वहां जाके किसने देखा नहीं है ना। मैं बोला तू भी जान तू बोल मैं दस बार किया क्या प्रॉब्लम है। आपको ऐसे भी प्रश्न आते होंगे जो झिझकते होंगे, लेकिन आपको इतना अनुभव है कई सालों से, आपको मुझे ऐसा लगता है कि पहले अकोला के सेक्स स्पेशलिस्ट होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो कई पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो उनकी आप समस्या बेझिझक होकर तो नहीं बोल देंगे, क्योंकि अपना पहले ही प्रश्न था कि सेक्स के बारे में लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं बताने के। मैं अगर डॉक्टर के पास गया, अगर मुझे ये कमजोरी है ये मैं डॉक्टर के पास जा, कहीं तो भी एक भावना होती है, तो आप काउंसिलिंग के जरिए वो सब उनको मन से दूर देगा। डॉक्टर साहब एक बार ऐसा भी देखने में आया कि सबसे ज्यादा लूट जो होती है पैसों की वो इस विषय को लेकर, क्योंकि आप जो भी समाचार पत्र उठाइए कहीं ना कहीं लिंग बड़ा कीजिए मोटा कीजिए, संभोग की समय जितना दो घंटे बढ़ाइए तीन घंटे बढ़ाइए, जापानी तेल ये तेल वो तेल, तो ये कहाँ तक सच है इसमें? हाँ तो ये उसमें कोई सच नहीं है जी, ये सब मूर्ख बनाने के कार्यक्रम है जी, है ना। ऐसा कोई भी मतलब आज तक ऐसा कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जी, है ना, कि जो इंजेक्ट जो गोली लिया समझो जी जी, और गोली लिया तो 101% गारंटी से उसको कठोरता आएंगी लिंग में, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जी। मैंने पहले बताया कि सिल्डेनाफिल जो है उसे कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है जी, पेपेवरिन का इंजेक्शन कुछ हद तक है और उसमें भी हम बोल सकते नहीं कि 100% 100% होगा ही होगा। तो ये तो जो है सब लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है जी, है ना, लोगों को लूटने का कार्यक्रम है। ऐसा कोई लिंगवर्धक यंत्र नहीं रहता जी, है ना, ऐसा कोई सांड का तेल जी जी, है ना, घोड़े का तेल जी जी, काय का तेल, इसका तेल, उसका तेल, कुछ नहीं रहता उसमें जी, ना कोई ऐसी दवाई नहीं है, सिर्फ लूट के धंधे हैं बस सब लूट। तो मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि इस पार्ट भ्रामक विज्ञापनों के जाल में न फंसते हुए एक योग्य उचित जो सेक्स रोग विशेषज्ञ होंगे उससे सलाह ले, और फालतू में अपने पैसे और मानसिक परेशानी खर्च न करते हुए अच्छे मनोचिकित्सक से संपर्क करें। डॉक्टर साहब बहुत से युवा जो ऐसे जो शादीशुदा यानी हम शादीशुदा लोगों की बात करते हैं, उनको कई बार ऐसे पॉर्न जो साइट्स आते हैं वो देखते हैं उसके बाद सेक्स की इच्छा होती है, तो ऐसे लोग किस चीज में आते हैं तो देखने के बाद फिर? हाँ होता है वो भी नॉर्मल है, एक तरह से वो नॉर्मल है क्योंकि उनको कुछ तो भी स्टिमुलेशन लगता है जी, है ना, चार्ज होने के लिए लगता है जी। तो ऐसा कुछ ना कोई बहुत सारे बहुत ऐसा गलत नहीं है जी, है ना, मगर उनका पत्नी के साथ में क्यों नहीं हो रहा जी, उनके आपस में क्या चल रहा है जी, वो देखना जरूरी है जी, क्योंकि पत्नी के साथ में क्या झंझट हो रही है जी। डॉक्टर साहब एक ऐसा प्रश्न था कि कई बार ऐसा होता है कि पति की इच्छा होती है पत्नी की अनिच्छा रहती है, या कभी पत्नी की इच्छा, तो अनिच्छा के बीच में ये क्या कारण हो सकते हैं कि कई बार ऐसा दोनों की भी काफी दिनों तक सेक्स नहीं हो पाता, अनिच्छा होती हो जाती है, या कभी अगर पति चाहे भी तो पत्नी अनिच्छा दर्शाती है, तो क्या कारण हो सकता है? मानसिक हो सकता है या शारीरिक हो सकता है या फिर एक तो हाँ एक तो उम्र के हिसाब से हो सकता है जी, नंबर एक जी, नंबर दो ऐसा हो सकता है कि बच्चे हो गए तो अभी क्या जरूरत है जी, एक वो हो सकता है जी। फिर तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को प्रॉपर सेक्स करना जी, जिसके मतलब ऐसा इस तरह का सेक्स करना जी कि जिसमें पत्नी को बहुत खुशी मिलेगी आनंद मिलेगा जी, ऐसा सेक्स करना लोगों को आता आता है जी, मतलब उसको वो समागम में वो सेक्स में औरत को जितनी चाहिए उतनी मजा आती नहीं जी, एक अनिच्छा का कारण हो सकता है। हाँ वो बहुत बड़ा कारण होता है ना, पत्नी का मतलब जल्दी ही समझो एक शीघ्र पतन हो गया जी, और वो शांत हो गया जी, और पत्नी को समाधान नहीं हुआ जी, तो उसको क्या लगता है कि ये आता है जी, है ना, इसको जब तक चाहे तब तक करता है जी, और निकल जाता है, उसकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं जी। तो ये सेक्स बराबर सीखता है, दोनों भी सीखते हैं कि सेक्स कैसा करना जी, और पति के साथ में पत्नी की भी इच्छा पूरी हो जाती है जी, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ आप अपने जो आप तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता आप उनको बताते हैं? हाँ इस प्रकार के उनको बताते हैं कि सेक्स प्रॉपर सेक्स कैसा करना जी जी, इच्छा क्यों नहीं है जी, तो इच्छा बढ़ाने के लिए क्या करना जी, फिर कोई सेक्स के नए नए आसन कैसे है जी, कौन से आसन हम कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको जरा आनंद मिलेगा, या फिर मतलब उस तो भी नयापन लगेगा ऐसा जी, जी। तो वो भी मदद करते हैं जी, तो उसमें फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जी। आशा हमारे तो कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। डॉक्टर साहब जो इस समस्या से पीड़ित लोग हैं, जो शर्माते हैं हिचकिचाते हैं और अपना ही नुकसान करके बैठते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर नहीं बढ़ाए तो बीमारी जो है मानसिक हो या शारीरिक को काफी बढ़ जाती है,
और जब सूद आती है तब तक काफी देर हो चुकी है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं हमारे देखना देख रहे कार्यक्रम, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ सेक्स रोग विशेषज्ञ के रूप में? हाँ, तो मैं उनको ये बताना मतलब चाहूंगा कि भाई जो भी आपको तकलीफ है उसके लिए प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है, जिसको इसमें ज्ञान है, तजुर्बा है, उनसे इलाज करना जरूरी है। बाकी बोर्ड तो बहुत लगा के बैठे हैं, इसमें ज्यादा फंसाया जाता है ना, विज्ञापन के माध्यम से बहुत फंसाया जाता है। आप यदि ट्रेन सफर करोगे ट्रेन से, तो आज ट्रेन के साइड में जितनी भी दीवार है जी जी, वो पूरी मतलब बिल्कुल पेंट की हुई है, तो कौन सी दवाई सेक्स के लिए काम मतलब वो उसमें कामयाबी दे सकती है जी। तो लोगों को ये है कि भाई साइंटिफिक रूप से मुझे कहाँ इलाज हो सकता है जी, वो इलाज करना जरूरी है, वो इलाज करते हैं तो ये एरिया जो है जी, मतलब सेक्स एरिया सेक्स करके, तो उसमें उनको आनंद भी मिलेगा जी, झंझट भी नहीं होंगी, जीवन भी अच्छा रहेगा जी, सुख शांति का जीवन जी हर व्यक्ति जी सकता है। और ये जो महत्वपूर्ण अंग है अपने जीवन का जी, उसमें उसको सफलता मिल सकती है और अच्छा जीवन वो बिता सकता है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में कई ऐसे विषय को लेकर ऐसे जवाब दिए जिसको हमारे जो दर्शक है वो काफी संतुष्ट होंगे। आशा है आपको हमारा आरोग्य विषय कार्यक्रम जरूर पसंद आऊंगा। हम फिर मिलेंगे एक नए डॉक्टर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।